और दीपिका, जैसे इस फिल्म में, जैसे मैम ने बोला कि ये सिर्फ वुमेन सेंट्रिक मूवी नहीं है, इसमें मर्दों का अच्छा चेहरा भी दिखाई देता है, तो उसके बारे में दीपिका और विक्रांत दोनों बोलिएगा प्लीज। अच्छा, प्लीज विक्रांत जी। सॉरी, आई डिडंट फॉलो द क्वेश्चन इन द एंड। देयर आर गुड मेन एंड बैड मेन इन सोसाइटी, सो योर कैरेक्टर इज ऑफ गुड मैन, सो वो थोड़ा सा बताइएगा आपके कैरेक्टर के बारे में। जी, मेरे किरदार का नाम अमोल है फिल्म में, जो रियल लाइफ में लक्ष्मी जी के साथ जुड़े हुए थे काफ़ी समय से। आलोक दीक्षित पे ये किरदार बेस्ड है। जैसे मैम ने कहा कि हमें इस चीज़ को नैरो डाउन करके ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक विमेन सेंट्रिक फिल्म है। जी हाँ, ये लक्ष्मी जी की कहानी है जो दीपिका जी ने प्ले की है, बट और भी लोग जुड़े थे उनकी ज़िंदगी में जिनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, वो एक छोटा सा किरदार मैंने इस फिल्म में किया है। एंड एज आई हैव सेड दिस बिफोर, आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद देम, एंड या सो इट्स बीन वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि द काइंड ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन, द थिंग्स वी रीड व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग इन द न्यूज़पेपर, द थिंग्स वी सी व्हाइल फ्लिपिंग चैनल्स, आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम दैट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो आप बात कर रहे थे, एक ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें एक वो सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा के माध्यम से हम क्या हम कॉन्शियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं या नहीं। कोशिश हमने की है, आज ट्रेलर आया है, 10 तारीख को फिल्म आएगी, तो उम्मीद है कि जो चीज़ हम कहना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। Yeah. Okay. I hang on. I'm sorry. I'm the one here with the mic. Yeah. The gentleman here. Yeah. Congratulations to Deepika, Meghna, and the entire team. It's amazing and very emotional. Actually, the trailer is very amazing and emotional. मुझे पूछना था कि Deepika, सबसे पहले तो double congratulations to you also, like for this film and you being a producer. मेरा दो सवाल है कि आगे आप, हम आपको आगे एज अ प्रोड्यूसर देखते रहेंगे, आपका नाम मतलब जैसे दीपिका पादुकोण या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस रहेगा, और ये इसका जवाब दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आया है दनाल जी, जवाब है यहाँ पे सर, का प्रोडक्शंस इज दीपिका, का आल्सो मींस सोल, एंड इट्स द पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इट्स अ पार्ट ऑफ यू ऑफ योर बीइंग दैट गेट्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर यू डाई एंड गो. So hopefully I'll be able to leave behind a body of work that I am proud of and that all of you will enjoy when I'm not around anymore. As the film says, we're going to have to ask, let everyone ask. Sir, one question I just asked. Can I just now? Sir, please. Ab ladna hai, the title says. तो हमने अक्सर ऐसे देखा है कि बहुत सारे ऐसी महिला है जो रियली आगे आके कुछ लड़ना चाहती, पर then they have to face some consequences actually. तो बहुत बार ऐसे होता है कि girls get afraid or even the parents say, yaar, why you want to go into all those things, you know? I mean, there are lots of instances where you are traveling in a cab, a driver molests you, to aapko bhi thappad maar dete, lekin fir uska consequences bahut baar aisa hota hai ki kharab hota hai. To aise mein aap matlab ladkiyon ko ya mahilaon ko kis tarah ka, you know, message dena chahoge, because it's a really little confusing thing also, like you feel, right? To aise mein what have you to say Deepika and Meghna? So sir, ye jo hamara hashtag hai ab ladna hai, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है जो कहेंगे हमें अब लड़ना है, हमें सोसाइटी के लिए लड़ना है, हमें इंसानियत के लिए लड़ना है, और महिलाओं के लिए भी लड़ना है. व्हाई इज इट सपोज टू बी ओनली फॉर वुमेन? या दीपिका, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन. ओके, सो या वन मिनट, आई थिंक वी आर गोइंग टू नाउ मूव टू द क्वेश्चन दिस साइड. आई एम सॉरी, वी आर गोइंग टू कम बैक. लेट्स गिव एवरीवन अ चांस. या दीपिका, प्लेइंग दिस रोल ऑफ लक्ष्मी, how was the process of you going through the role as such? And you must have gone through such a trauma yourself, because after the prosthetic certainly you are in the character, but before that and after the shooting also, till the time of the shooting, till the time of completion of the film, how was the frame of your mind while delivering this role as such? It's been challenging at every level, and challenge is such a small word, I feel, in comparison to what I think we've actually been through. Physically, emotionally, mentally, it's been the most exhausting process.
सो मच सो दैट आपने सुना होगा कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द शूट व्हेन वी फिनिश्ड आई टोल्ड मेघना, आई सेड आर वी डन, आर वी रियली डन, डू आई रियली नॉट हैव टू डू दिस अगेन, शी सेड यस वी आर डन. आई टुक अ पीस एंड प्रोस्थेटिक का के पैसे लगते हैं, इट्स एक्सपेंसिव. आई सेड प्लीज कैन वी मेक वन एक्स्ट्रा पीस, शी सेड ओके फाइन मेक एन एक्स्ट्रा पीस. वी मेड एन एक्स्ट्रा पीस ऑन द लास्ट डे वी फिनिश्ड. आई वेंट बिहाइंड द ट्रेलर, आई पुट सम एल्कोहल ऑन इट एंड आई बर्नड द पीस एंड तो वो जल गया एंड एवरी वन इज लाइक चलो चलो हो गया ना अभी निकलते हैं. आई सेड नो, आई एम गोइंग टू स्टैंड हियर टिल इट गोज एंड डिसअपियर्स कम्प्लीटली, बिकॉज ओनली देन विल आई फील लाइक आईव लेट, मे बी नॉट इमोशनली, बिकॉज आई थिंक इमोशनली कैरेक्टर्स डोंट लीव यू, दे नेवर लीव यू एंटायरली, यू मूव ऑन टू अदर थिंग्स, बट समवेयर डीप डाउन इनसाइड इट ऑलवेज स्टेज विथ यू. बट वॉट एवर आई कुड लीव बिहाइंड, I left behind in that process and I'll never forget that. Okay, we're going to take the last two questions now. So we'll take five from here. Deepika, Sarita Singh here. How are you? तो सबसे पहले दीपिका और मेघना आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एक बहादुर लड़की की जिसने न केवल यू नो सर्वाइवर या फाइटर होने के बाद बल्कि पूरे देश को नॉर्मल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी थी. हम सब उसके गवाह थे, हम लोगों ने कवर किया था उस वक्त को. और जब मैंने पर्दे पर दीपिका को देखा तो मुझे लगा मैं लक्ष्मी को देख रही हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. स्पेशली दो तीन सीन्स में सिर्फ हाइट का फर्क था और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. लुक एस्थेटिक से बना लेते हैं मगर एक एक्सप्रेशन, एक पर्सनालिटी बहुत बड़ी बात है. मेरे साथ लक्ष्मी के किरदार की बहुत सारी चीज़ें मेरी जिंदगी में आ गई हैं. आपने लक्ष्मी को जिया है, मालती जो आपकी मालती है, लक्ष्मी और मालती की कौन सी चीज़ है जो जिंदगी भर, जिसने आपको बदल दिया जिंदगी भर के लिए और वो आपके साथ रहेगी? आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला था कि आई थिंक इट्स हर स्पिरिट, इट्स हर, आई एम श्योर यू हैव मेट हर ऑल्सो, बट इट्स हाउ ईजी शी इज़ विथ एवरीथिंग एंड देर इज़ एन ईज, देर इज़ जॉय, देर इज एटीट्यूड, देर इज ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई कांट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इट्स, I have never met somebody like her. She's unique. She's really unique. And again, not with sympathy, not with what has happened, but what she's made of the incident, what she's made of her life after that. I am yet to come across someone as entertaining, as engaging. She's unique. She's really unique. And she's really one of my most favorite people. I can sit and talk to her for hours. She's always full of stories, always full of anecdotes, which also you'll see in the film. You know, you'll see her entire personality. It's not one-dimensional. There's just so much to her life. And, you know, there's many, many things to take away from. I think every character in every film teaches you something. मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि मैंने ये एक चीज़ सीखा है या मैं ये एक चीज़ मैं लेके जाऊँगी, बट आई थिंक ओवरऑल फिल्म्स इम्पैक्ट यू, कैरेक्टर्स इम्पैक्ट यू एंड या आई थिंक द बिगेस्ट थिंग हियर इज दैट वन थिंग यू विल नॉट सी अबाउट द वन थिंग दैट मालती इज नॉट इज अ बिचारी, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. Okay, guys, I'm going to let you all take a few questions. Let's just start with the guy there. I don't know. I really don't know. He's not seen, y'all are the first people to see it. Have we posted it already? No. As we speak. So I'm talking to you before I talk to him, by the way. आप अपना रिएक्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेडी हियर, जस्ट पुरी टीम से मेरा सवाल है. एक्सक्यूज मी, जस्ट वन मिनट गाइस. द लेडी हियर, दिस इज हीना कुमावत. यस, ट्रेलर देख के आंखों में आंसू आ गए हमारे भी. इस फिल्म में एक डायलॉग मैंने ट्रेलर में देखा जिसमें आपने बोला है पहले सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. और हमने देखा है कि ऐसे केसेस में चाहे निर्भया हो जिसका आपने जिक्र किया है, लक्ष्मी हो या फिर प्रियंका रेड्डी हो, यही होता है कि जस्टिस डिनाइड, मतलब इतना लेट हो जाता है कि जिसका कोई फायदा नहीं होता. उस दौरान जो पेन से गुजरते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो आपको
हुआ वो सही है या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स बनने चाहिए ऐसे केसेस के लिए ताकि जल्दी ही जस्टिस मिले? उस चीज़ पे कमेंट करने का कि प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ और उसके बाद जो हुआ वो सही है कि नहीं है, वी विल नॉट आंसर दैट हियर बिकॉज दोज आर आर पर्सनल आइडियोलॉजीज, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर दैट। होते हैं मैम, स्पेशल कोर्ट्स भी बनते हैं, निर्भया केस के लिए भी स्पेशल कोर्ट बना था, बट द जुडिशरी द वे इट इज़ इन आर कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रोसेस और उसके ऊपर कमेंट करने की जगह हमारी नहीं है। Deepika aur puri team se mera sawal hai. Okay, I'm going to now, guys, hang on. I'm going to pick someone who hasn't had a chance. So there's a lady sitting there, yeah. We have no idea because we've literally just launched it now as you... Oh, when she saw me, sorry. When she saw me, she felt like she was seeing herself in the mirror. मेकिंग में शायद आप लोग देखेंगे, आई एम श्योर वील पुट दैट आउट एट सम पॉइंट। आई फेल लाइक आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ एंड शी फेल लाइक शी वॉज लुकिंग एट हर सेल्फ, इज अ फैबुलस थिंग इफ यू आस्क मी। सर एंड आई वॉज एक्चुअली दैट आई वॉज द मोस्ट नर्वस ऑन दैट डे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट्स अ लाइव, दैट्स रियल, दैट्स टेंजिबल, दैट आई कैन सिट विथ, टॉक टू, देर इज नो हिस्टोरिक रेफरेंस, and that's a big responsibility. So when she came on set, I think she came on the second day of on the first day, correct, and Meghna was like, Lakshmi's coming. I'm like, okay, where is she? I've never been so nervous. But she walked in and she was just glowing and she was happy, and you'll see all of it when the making comes out. And there's no better validation for an actor than that, when you're playing a real life character and the person is in front of you and says, I feel like I'm seeing myself as an actor. There's no better and bigger validation than that. Puri team se mera sawal from PTI, we have a plan, it will unfold slowly, watch this space. I'm going to now let the gentleman there take a question. No, he threw a tantrum, was all pricey, made me chase him. He was like, if you don't pay me my money, I won't do it. Sir, there was no reason for me to not associate myself with this. For the way I think as Vikrant, I believe in the cause. And for all pragmatic reasons as an artist, getting an opportunity to collaborate with these two is like, seriously, I'm sorry if that's offensive. So it was something that it would be really foolish of me to let go of that opportunity. And at the same time, I think I did fall lucky because ek aisi kahani ka hissa banne ka mauka mila jiske liye kahin na kahin main khud personally bahut zyada feel bhi karta hu. And I think someone up there sort of looked after me there and then, and here I am sitting with you guys. Deepika, Justin, you're okay, from PTI, sir, towards your left. Can we please ask Govind one question just for me? This is my own kida. Please, somebody ask Govind one question. I really want, he's my most favorite person, by the way. If I may say, and Meghna's going to not appreciate this, but he is the best thing that has happened to her. Oh my God. They know that. They both know oh, it. Know that, okay. Oh, you're also. Yeah, they both know it. I think we were living with this story for 5 years. And you know, I've always heard her father say that somewhere cinema is a reflection of society, and it allows you to reflect upon yourself as a society. So this was a story which really resonated with us, and I'm hoping that it allows us and everybody here to reflect on yourselves collectively as a society to see what we can do about it. दीपिका और पूरी टीम से मेरा सवाल है, ज्योति फॉर बिग एफएम जी, यहाँ पर
कैमरे के पास जी. दीपिका, यहाँ पर एक डायलॉग है आपके ट्रेलर में कि अगर एसिड ना मिले तो ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन कई जगह बैन किया हुआ है एसिड को, लेकिन फिर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है लोगों को. तो इस पे कोई स्ट्रिक्ट लॉ कई जगह पर है, कई स्टेट में जहाँ पर नहीं बोला जाता लेकिन मिल जाता है, ऐसे में क्या स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए कि एसिड ना मिले और चीज़ें ऐसी जो घटनाएं जो इजीली अवेलेबल है इसलिए लोगों का जाके खरीद लेते हैं और ये सारी घटनाएं होती हैं. सो आई विल आंसर दिस बिकॉज आई एम द टेक्स्ट बुक ओवर हियर. नहीं, लॉज हैं, एसिड की बिक्री रेगुलेटेड है, इट इज़ रेगुलेटेड. ये 2013 से लेके 2015 तक में ये लॉज आ गए थे, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन में गलती है. अब आप अपना आईडी, अपना अपना रजिस्ट्रेशन, अपना मोबाइल नंबर बिना दिए आप एसिड ख़रीद नहीं सकते, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है, प्रॉब्लम वहाँ है. जस्ट टू क्लैरिफाई. दीपिका, जस्टिन हियर फ्रॉम पीटीआई टुवर्ड्स योर लेफ्ट. कैन आई जस्ट हैव, सॉरी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, कैन आई जस्ट हैव अ माइक? ओके, नो आई एम गोइंग टू होल्ड एवरीवन एट बे नाउ. No, I have a question for Govind. That after doing this film, is Deepika your favorite or Meghna your favorite? I think only thing I'll say is that. Think. Otherwise, I'm not coming home for dinner. I have. I'll totally sidestep the question, and I'll say that this film mein mujhe itna. Don't give a diplomatic answer. Itna khana pakana pada hai ki aap puchhe mat. So I'm pretty fond of cooking, and after almost every time we have finished some sets, some shooting, I've been asked to cook 5 kilos, 10 kilos. I'm very I'm happy. Sorry, the film the is other getting way around, over. He's like, I'm cooking, please come. And since too many questions are being asked to the rest of them, I want to just tell you, Vikrant, that you're wonderful. Yeah. Thank you so much, ma'am. He is. Thank you so much. Thanks. Deepika, Justin, you're from PTI towards your left here. Here. Should I? Yeah. Hi. You know, just taking a cue from Faridun, I believe Lakshmi was attacked because a man refused to take her no, and that's where he got offended and he sort of attacked her. I'll tell you the whole story now. No, but I mean, it's a real life story I read up upon her. But tell me, today more than ever, the impact of pop culture is under scanner. For the longest, our films and songs have normalized talking and glorified iski na maybe ha hai culture. You think it's about time, high time, that we introspect what we put on screen? I can't speak for everybody. Right, I really can't speak for everyone. I can speak, and which is exactly what I said to Faridun as well. You can't shy away from the fact that it does have an impact on youth, on society, on the way we dress, on the way we think. It does. What everyone makes of that opportunity is for each one to decide individually. For you, Meghna and Vikrant? I completely agree. I mean, cinema has a very critical role because it is both inspiring as well as influencing, which can be used for good also, and the influences can be negative also. Like she said, it is each maker's choice or each actor's choice. It also goes into your own sensibility. Plus, if all cinema is only going to be responsible, you guys are not going to go to the theaters very long. Right, so some level of entertainment is also important, but even that can be done responsibly is what I believe. You, Vikram? Yeah, I completely agree with Meghna ji and Deepika ji. As she said, ki yes, ek dichotomy honi zaruri hai, social responsibility, a collective responsibility, sirf makers ki taraf se nahi, writers ki taraf se nahi. I think I absolutely believe in the fact that cinema is a reflection of our society, the times we live in. And agar hum ye sawal makers, writers aur creators se agar hum poochte hain ki kya hame sirf responsible cinema banana chahiye, kahin na kahin hame apne aap ko bhi ye sawal poochne chahiye ki are we responsible enough rozmarra ki zindagi mein. Ye koi aisa nahi hai ki kuch hard thought hame is pe dalna hai, ye rozmarra ki zindagi ki baat hai. So it's a two way street, and yeah, and as I said, you know, the times we live in, jo cheeze hum roz dekh rahe hain, directly indirectly mehsoos kar rahe hain, hum usme contribute apni capacity mein kitna kar sakte hain, wo mujhe is waqt zaruri lagta hai. And it's not that if you're socially responsible then it's going to be a serious movie, yeah. A hard hitting movie. No,
sorry to digress, but Piku, for example, said so much, but it was still entertaining. So it's not that if you do socially responsible films, they're going to be a certain type or a certain way. They can still be told in an engaging and entertaining manner. Thank you. Okay, I'm now going to take the last question, the lady here in front. Deepika, having produced as a debut, how many films are you going to produce in a year? And what will it be, next? Presenting history? Oh, God. So, at Ka, I don't want us to produce like a slate, like we have a lineup, like we have so many films coming up, and I want the process to be as honest as my process has been as an actor while I've chosen scripts, and that's going to be the process. And again, I don't want to sit here and sound like some, you know, like an experienced producer, because I'm not. I'm here to learn. I'm here to facilitate. I'm here to learn and imbibe, and wherever I can add value, I'm here to do that. I'm not going to pretend like I know everything, and I'm sure I'll make mistakes along the way, but the intent is to tell stories in the same way, or choose the films that we do in the same way that I've done as an actor so far. Just sir, ek last question bas meri taraf se. Yeah. Achha, last aapko hi milega. Uske pehle, just the lady there was going to ask. Do you want to ask? Achha. Hi, this is Rishika from Koimui. Deepika here is clearly very emotionally attached to her character. But Vikrant, did you have any breakdown moment on the sets? Main thoda moti chamdi insaan hu. To be honest. आप मुझे रोते हुए देखना चाहती हैं. मैं too busy being angry, grumpy. Yes. हाँ मतलब I was a little grumpy all the time because that not grumpy all the time on a light ऐसा नहीं है. मैं थोड़ा मोटी चमड़ी इंसान हूँ. Irritable. Irritable. Yeah. तो बहुत सी चीजें हैं जो आलोक दीक्षित से जो इंस्पायर की थी इस किरदार के लिए अमोल, बिकॉज उनकी लाइफ में भी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें काफ़ी ऑक्यूपाइड रखती हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. देर इज़ अ सर्टन स्टेट ऑफ माइंड. एंड बिकॉज यू आस्क दिस टू मी एज विक्रांत, डिड आई हैव एनी ब्रेक डाउन मोमेंट्स? आई जनरली डोंट टेंड टू ब्रेक डाउन सो ईजिली, बट येस आई डिड टेक बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स बैक होम. आई स्टिल रिटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली थिंग्स दैट यू नो मेघना जी एंड आई स्पोक बिफोर और आफ्टर अ वाइल, क्योंकि एज एक्टर्स यू नो हम लोग वी आर प्रोबेबली द लास्ट बैंड ऑफ पीपल टू कम ऑन बोर्ड, बिकॉज द राइटर्स हैव रिटन द फिल्म, यू नो एवरीवन सॉर्ट ऑफ यू नो मेड द फिल्म इन देयर हेड. सो हमारा काम वैसे ही बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन ऑफ हर पेडिग्री. सो यू रियली आर वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एट द सेम टाइम. सो या तो आई डिड टेक बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी व्हिच आर विद मी व्हिच विल प्रोबेबली ऑलवेज बी विद मी. बट नहीं यार, इतनी आसानी से नहीं रो पाता मैं. नहीं, आई हैव टू से दैट द थ्री ऑफ अस हैड द मोस्ट फन व्हेन वी वर शूटिंग आवर सीन्स टुगेदर. It was the most fun. Okay, now the last question. Isko mic to wapas kar dijiye. He was chivalrous enough to give it. Meghna ma'am. Yeah, aapse aur Deepika matlab sabse sawal hai. Ji ha. सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और इतने सालों से, दशकों से मतलब सिनेमा बन मतलब फिल्में आ रही हैं, इस तरह की कहानियां आ रही हैं. स्टिल मतलब देश भर में, दुनिया भर में नो वुमेन्स लैंड बना हुआ है. हर दिन हमें एसिड अटैक, सेक्सुअल खबरें मतलब सुनने को मिल रही हैं. ऐसी कहानियां, छपाक जैसी कहानियां से हम लोग कितनी उम्मीद करें कि ये झकझोर के रखे लोगों को, उनके गालों पे तमाचा और वो आए, थप्पड़ पड़े, कुछ असर हो जैसा पिंक का असर हुआ था, रंग दे बसंती का असर हुआ था. असर की बात जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन वो थोड़ा नरमी से भी किया जा सकता है. मुझे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, तमाचा लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं आपके आपकी सोच को छू सकूँ, मेरे लिए उतना काफ़ी है.
हमारी चमड़ी के लिए उतना काफी है, मुझे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। चमड़ी मोटी नहीं है इस देश के लोगों की जैसा मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हमारी चमड़ी मोटी होती तो जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, वो बहुत अरसों पहले स्टैग्नेट होकर ख़त्म हो गई होती। हमारी संस्कृति अभी भी जिंदा है, वो दबी हुई है, कहीं एक धूल का जैसा लेयर है उसके ऊपर, धीरे धीरे साफ करेंगे ना। दीपिका आप क्या मानती हैं? थैंक यू वेरी मच। दीपिका की तरफ अपॉर्चुनिटी। गाइस नो दीपिका, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग द फाइनल कॉल। गाइस हियर इज द अपॉर्चुनिटी नाउ फॉर योर फोटो अपॉर्चुनिटी, सो कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट फॉर द कैमरास टू डू देयर सेटअप एटसेट्रा।